हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में। जैसे कि दोस्तों बहुत ही जबरदस्त सीरीज चल रही है हमारी एग्रीकल्चर की। बाकी की वीडियो आपने नहीं देखी है तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही फनी ट्रिक के साथ हमने बहुत सारी वीडियो जो है अपडेट कर दी है। दोस्तों बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद हमारे जिस हिसाब से सब्सक्राइबर और व्यूअर आ रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूंगा। ठीक है, मन था मेरा धन्यवाद बोलने का, बोल दिया दोस्तों। और दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगती है छोटा छोटा लाइक जरूर करते हैं दोस्तों, कमेंट करने का टाइम नहीं कोई बात नहीं, लाइक कर दें और कमेंट करें तो बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। तो हमारी वीडियो शेयर जरूर करें दोस्तों, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो तो जरूर ही कर लें दोस्तों। ठीक है, तो हम इसको करेंगे बहुत ही फनी ट्रिक के साथ। जो हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर, कृषि, फल, सब्जी व दूध के अंदर जो तीखापन, कड़वाहट के कारक होते हैं दोस्तों, उनके बारे में हम जो है अच्छे से कवर करेंगे, जो आपको लॉन्ग टाइम तक याद भी रहेगा। एकमात्र वीडियो देखने से दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपका कवर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला जो है दोस्तों, मिर्च में तीखापन, और मिर्च में जब तीखापन लगता है दोस्तों तो सी 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 की आवाज आती है। किसकी आवाज आती है दोस्तों? सी सी की। ठीक है, तो सी सी की आवाज आती है जब मिर्च में क्या लगता है, तीखापन लगता है, तो कैप्सेसिन दोस्तों। ठीक है, मिर्च में तीखापन का कारण क्या होता है दोस्तों? कैप्सेसिन के कारण जो है मिर्च का तीखापन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हम सारे के सारे आज कवर करेंगे। प्याज में पीला रंग दोस्तों, और प्यार में पीला, प्यार में पीला, प्यार में कोई पिलाएगा तो हम उसको क्या क्यों क्या कहेंगे दोस्तों? क्यों रे, क्यों पिला रहा है? तो प्यार में नहीं पिलाना चाहिए, प्यार में अगर कोई किसी को पिलाएगा दोस्तों तो वो उसको क्या कहेगा? क्यूरे, क्यूरे। ठीक है, तो क्यूरेस्टिन हो जाएगा दोस्तों इसका। नेक्स्ट दोस्तों है हमारा खीरे में कड़वाहट, और खीरे में कड़वाहट कब आती है? जब उसको कुकर में पकाते हैं। अगर आज तक आपने खीरे को पका के नहीं खाया है कुकर के अंदर तो जरूर पका लें आज के बाद। तो खीरे में कड़वाहट चाहिए आपको तो कुकर में पका लें, वैसे कुकर में नहीं पकाना चाहिए। कुकर बीटासिन जो है खीरे में कड़वाहट का कारण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको अंडरलाइन जरूर करें। नेक्स्ट दोस्तों मूली में तीखापन, और मूली के अंदर अगर तीखापन चाहिए आपको दोस्तों तो मूली के अंदर सॉस मिला के खाओ। क्या मिला के खाओ दोस्तों? मूली के अंदर सॉस मिला के खाओ। ठीक है, मूली के अंदर सॉस मिला के खाओगे मजा आ जाएगा, तीखापन लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो मूली के अंदर तीखापन, आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, लहसुन में गंध, और लहसुन में गंध आती है दोस्तों एलाइसिन। लहसुन में जो गंध आती है वो मलाई जैसी आती है, एलाई को पढ़ेंगे दोस्तों मलाई। ठीक है, और इसकी ट्रिक एक और भी है, लहसुन लह तो वो हटा देते हैं दोस्तों, पीछे बचा सुन। सुन गंध आ रही है किसकी? एलआईसी वालों की। सुन गंध आ रही है किसकी? एलआईसी वालों की। ठीक है, कोई एलआईसी वाला इधर उधर आ रहा होगा तो हम हल्की से ट्रिक के साथ कवर करेंगे। हाँ रहे हैं, हमें एलआईसी से कोई मतलब नहीं है। तो सुन गंध आ रही है किसकी? एलआईसी वालों की, या लहसुन में गंध आती है मलाई जैसी, ऐसे भी कर सकते। दोनों ट्रिकों में से जो आपको बेस्ट लगे। नेक्स्ट दोस्तों हम पपीता, और पप्पी जब किसी की लेते हैं दोस्तों तो हम उसकी केयर बहुत करते हैं। जिसकी भी हम पप्पी लेते हैं उसकी क्या करते हैं दोस्तों? बहुत ज्यादा केयर करते हैं। तो केरिका जेंथिन दोस्तों, ठीक है, पपीता का पीला रंग जो होता है उसकी हम बहुत केयर करते हैं। पपीते की तो वैसे भी केयर करनी चाहिए दोस्तों, और पप्पी जिसकी लेंगे उसकी क्या करेंगे दोस्तों? बहुत ही जबरदस्त हम केयर करेंगे और करते भी है। नेक्स्ट दोस्तों चुकंदर में लाल रंग, और चुकंदर में लाल, चुकंदर का मार मार के रंग लाल कर दिया दोस्तों, पीट पीट के चुकंदर का रंग जो है वो लाल कर दिया। ठीक है, कौन सी चप्पल से? बाटा चप्पल, बीटा को पढ़ेंगे दोस्तों बाटा, और बाटा चप्पल से जो है मार मार के रंग जो है लाल कर दिया। किसका? चुकंदर का दोस्तों। ठीक है, एक चुकंदर छोटा सा जानवर भी होता है दोस्तों, जिसका मार मार के रंग लाल कर दिया बाटा चप्पल से। ठीक है, बीटा साइनेसिस दोस्तों, ये थी हमारी जो है फर्स्ट राउंड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट राउंड की तरफ। आगे दोस्तों है हल्दी में पीला रंग, और हल्दी पीला। ठीक है दोस्तों, हल्दी किसको पिलाई जाती है, या हल्दी किसको लगाई जाती है? जो कमीना हो जाता है, जिसका रिश्ता हो जाता है, कुमिन, कुमिन मतलब कमीना। ठीक है दोस्तों, जो जिसका रिश्ता हो जाता है उसको क्या कहते हैं? कमीना कहते हैं, कमीना ही होता है रियल में भी वो। तो हल्दी का पीला रंग जो होता है वो दोस्तों कुरकुमिन के कारण होता है। कुरकुर करता रहेगा, फिर हल्दी एक बार लग गई ना तो पूरी लाइफ कुरकुर कुरकुर करता रहेगा, क्योंकि जोर से तो बोल नहीं सकता जब वाइफ आती है तो। ये दोस्तों प्राइवेट बात है, छोड़ो। ठीक है, तो कुरकुर करता रहेगा। आगे है दोस्तों हमारा केरले में कड़वाहट, और केरले में कड़वाहट आती है दोस्तों मार्डी मार्मोडिक साइट, मार्मोडिको साइट दोस्तों। ठीक है, मार्मो मरना मराना, इस टाइप की फीलिंग आ रही है मार्मो में, मरना मराना, और रेल के नीचे आके कड़ो कट जाते हैं लोग। ठीक है, मरने मराने के चक्कर में, मरने मराने के चक्कर में रोग रेल के नीचे आके कट जाते हैं। ठीक है, केरले में कड़वाहट का कारण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, और कुरकुर क्यों करते रहते हैं दोस्तों? पता नहीं, जो लड़के शादी के बाद। तो ये है दूध का सफेद दोस्तों, दूध का सफेद रंग होता है कैसीन के कारण, और दूध का सीन, दूध को हम सीन मतलब देखते हैं तो उसका रंग वैसे ही सफेद होता है दोस्तों। इसमें तो बताने की कोई सीन ही नहीं है इसका, तो दूध का तो कोई सीन ही नहीं है। ठीक है, वैसे दूध का रंग सफेद होता है, तो इसमें याद क्या करना है? कुछ भी नहीं। नेक्स्ट दोस्तों है दूध में पीला, और दूध पीला जब कोई मम्मी अपने छोटे से बेटे को कहती है दूध पीला, या मम्मी कहती है दूध पी ले,
तो बेटा क्या कहता है, रोटी के साथ पीऊंगा। किसके साथ दोस्तों? रोटी के साथ, कैरोटीन में, कैरोटीन में, दोनों के दोनों कैरोटीन है। तो दोस्तों लहसुन, मम्मी दोबारा बोलती है सुन दूध पिला, तो कहता है रोटी के साथ खाऊंगा, रोटी के साथ। तो दोनों के साथ, दोनों के दोनों कैरोटीन है, लहसुन में पीलापन और दूध में पीलापन, और लहसुन में गंध आती है LIC वालों की, तो इस टाइप से हमने वो भी ट्रिक बनाई थी, वो गंध है दोस्तों, ये पीलापन है। दोनों दोनों का जो है अलग अलग है, ध्यान रखें दोस्तों थोड़ा सा। तो नेक्स्ट दोस्तों हमारा प्याज में लाल रंग, प्याज में लाल रंग और गाजर का लाल रंग, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, दोनों ही फनी सी ट्रिक के साथ हम कवर कर लेंगे। प्याज को पढ़ेंगे प्यार, और प्यार में गाजर जैसा लाल कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। कुछ लोग प्यार में जो है गाजर जैसा लाल कर देते हैं, ठीक है। जब प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो जब फंस जाते हैं, तो गाजर जैसा कैसे कर देते हैं, लाल कर देते हैं। लाल होने के बाद दोस्तों रात को क्या नहीं आती, नींद नहीं आती, नींद नींद को पढ़ेंगे दोस्तों, नींद नहीं आती, ठीक है। तो ये बड़ा सा नाम है, तो बड़ा सा मतलब ज्यादा पिटा जाए तो बड़ा सा नाम है, इसलिए बनाया गया ये। तो प्यार में लाल रंग या गाजर में लाल रंग हो जाता है दोस्तों, ठीक है। गाजर जैसा लाल रंग होता है प्यार में कई बार चक्कर में, तो दोस्तों ये जब घर पे पता चल जाता है, तो पता ही दोस्तों मम्मी पापा जब किस टाइप से जो लाल रंग करते हैं, वो चलो प्राइवेट बात है छोड़ो। तो ये दोस्तों नींद नहीं आती रात को, क्या नहीं आती, नींद, और दोनों के अंदर ही नींद है दोस्तों, और बड़ा सा नाम, बड़ा सा मतलब ज्यादा पिटा गया है। तो ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन जरूर करें। नेक्स्ट दोस्तों है हमारा गाजर का पीला रंग, और गाजर का पीला रंग दोस्तों है केरोटीन के कारण। और गाजर दोस्तों, गाजर को पीला, गाजर पीले, गाजर को कोई पिए थोड़ी जाता है दोस्तों, गाजर तो है जो रोटी के साथ खाई जाती है, गाजर की सब्जी जो है वो रोटी के साथ खाई जाती है। इस टाइप से कवर करेंगे कि गाजर पी नहीं जाती, गाजर रोटी की सब्जी के साथ खाई जाती है, तो इस टाइप से ये भी कवर हो जाएगा। अगला दोस्तों है हमारा लहसुन में तीखापन, लहसुन में तीखापन दोस्तों नेक्स्ट में करते हैं हम यहाँ। तो लहसुन के अंदर जो तीखापन होता है दोस्तों, वो होता है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, और प्याज प्याज में तीखापन होता है वो भी एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, दोनों के दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। याद कैसे करेंगे, लहसुन में तीखापन, लहसुन तीखापन, प्याज में तीखापन, और लहसुन सुनने में जो तीखापन लगे, और जो प्यार को भी तीखा कर दे, प्यार को भी क्या कर दे, तीखा कर दे, तो ऐसी कौन सी बात होती है, डाई, डाई मतलब मरना मराने की जो बात करते हैं दोस्तों, वो सुन तीखा कर देते हैं, ठीक है। जो बात हम सुनते हैं वो तीखी हो जाती है, या प्यार में तीखापन आ जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये इस टाइप से कवर करेंगे, इसमें डाई आ रहा है, डाई मतलब मरना मारना, और मरना मारना आपको पता ही है, ये हो जाएगा हल्की सी ट्रिक के साथ। नेक्स्ट दोस्तों है हमारा टमाटर का लाल रंग, और टमाटर का लाल रंग, टमाटर का लाल रंग, टमाटर जैसे लाल रंग कब हो जाता था, जब हम मैडम को कॉपी चेक करवाते थे दोस्तों, जब छोटे होते थे स्कूल में, शायद दिन याद आ गए होंगे, इंग्लिश की खास करके जब कॉपी चेक करवाते थे, तो गाले हमारी जो है टमाटर जैसी हो जाती थी लाल, ठीक है। मेरी तो खास करके हो जाती थी, इंग्लिश में तो स्टार्टिंग से ही आता था, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम कर लेंगे, टमाटर जैसा लाल रंग कब हो जाता था, जब दोस्तों मैडम से, ठीक है, हमारी वीणा मैडम थी, उससे हम कॉपी चेक करवाते थे, तो टमाटर जैसा लाल रंग था, ठीक है दोस्तों, हो जाता था हमारे गालों का, क्योंकि गालों पे उस टाइम जो है परमाणु वम से ज्यादा हमले होते थे। आंवले में केसलापन दोस्तों, टैनिन, आंवले में केसलापन, तो इसकी दोस्तों हम क्या ट्रिक बनाएंगे, तो इसका दोस्तों है हमारा, अगर आंवले खाएंगे तो हम हमारे केस कैसे हो जाएंगे, टन टनाटन हो जाएंगे दोस्तों, टन टनाटन, टैनिन को पढ़ेंगे दोस्तों टन टनाटन। आंवले, आंवले जो अगर खाएंगे तो हमारे केसलापन मतलब केस, और हमारे केस मतलब बाल दोस्तों, ठीक है, बाल, हमारे हेयर जो है वो टन टनाटन हो जाएंगे, इस टाइप से इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों है हमारा मिर्च, मिर्च का लाल रंग जो होता है वो कैप्सेथिन के कारण होता है, थिन मिर्च जो होती है दोस्तों वो लाल रंग की कब हो जाती है, जब सूख जाती है, थिन थिन मतलब पतली, हरी मिर्च होती है दोस्तों जब वो सूख जाती है तो लाल होती है, लाल कब होती हो जाती है, जब थिन थिन मीन्स पतला हो जाता है, पतली हो जाती है, तब वो लाल रंग की हो जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट है तेलों का पीला रंग, और तेलों के पीले रंग की दोस्तों आपको ट्रिक हमें कमेंट में बतानी है, तेलों के पीले रंग की जो है वो आपको हमें कमेंट में अच्छी सी ट्रिक बना के बतानी है, ताकि सबको मजा आ जाए, और कमेंट में सभी एक बार जरूर जाके आए इस ट्रिक के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों बादाम, और बादाम में कड़वाहट होती है दोस्तों एमाइलेडिन के कारण, एमाइलेडिन, लेडिन में लेडी आ रहा है दोस्तों, और बादाम को अगर हम अंदर हम बा काटते हैं दोस्तों, पीछे बचा दाम, और दाम, दाम को हम कैसे लगाएंगे, दाम के अंदर कड़वाहट आती है, किसके अंदर दोस्तों, लेडी, लेडी जब दाम फिक्स करती है जो मार्केट में जाती है, तो लेडी के अंदर पूरे माइंड के अंदर सबसे ज्यादा जो है कड़वाहट कब आती है, जब दाम का पता चलता है किसी का इतना दाम है, या शॉप जो है, शॉप वाला जो है दाम बताता है इसके, तो इस टाइप से इसको हम कवर कर लेंगे बहुत ही फनी ट्रिक के साथ दोस्तों। और इससे रिलेटेड दोस्तों हमारी और भी एक दो पार्ट जो और बचे हुए हैं, वो वीडियो भी आएगी, छोटा सा दोस्तों एक बार रिवाइज और कर लेते हैं मोटा मोटा, आप जो कमेंट में बताओगे वो मैं एक बार आपको छोटा सा काम दे देता हूं दोस्तों, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए किन किन का बताना है, वो हम आपको बता देता हूं, ठीक है, उनके बारे में दोस्तों आपको कमेंट में बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों है हमारा मूली में तीखापन, और मूली के तीखापन के साथ दोस्तों क्या मिला के खाएंगे, वो आप हमें कमेंट में बताओगे। लहसुन में गंध दोस्तों आप बताओगे, पप्पी भी बताओगे, पप्पी का क्या रोल था, और मिर्च में तीखापन दोस्तों जरूर बताओगे। नेक्स्ट दोस्तों है हमारा, इसका भी आपको दोस्तों कमेंट में जरूर बताना है,
जो मैं बात बताऊं आपको, ये सबसे पहले तो हल्दी का जो पीला रंग होता है वो आप कमेंट में बताओगे, दूध में पीला रंग होता है वो आप कमेंट में बताओगे। पीले रंग से रिलेटेड जो तो दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है हमारा लहसुन में तीखापन, बताना दोस्तों आपको कमेंट में। आंवले में कैसलापन बताना है और इसकी दोस्तों ट्रिक बतानी है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कभी कभी एग्जाम के अंदर रिपीट हो जाते हैं। तो कैसी लगी दोस्तों आपको हमारी वीडियो, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और दोस्तों बेल आइकन को जो है जरूर प्रेस करें ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन के जरिए वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हरियाणा, जय भारत।